जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा पंजाबी सीरीज़ जो पीएमएस और सीएसएस के लिए हमने स्टार्ट की है, उसमें जो हमारा ये तीसरा लेक्चर है और तसव्वुफ़ की है ते सूफ़ी शोरा द पंजाबी दे विच पंजाबी जुबान च की किरदार है ते उन्होंने केड़ा मैसेज पंजाबी जुबान नू इस्तेमाल कर दिया साढ़े तक अपड़ाया है। ये हमारा टॉपिक है आज का और इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो पहले मजमूए अल्फाज जो मैंने इनमें से कुछ लफ्ज़ निकाले हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ उनके मीनिंग्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब वो पढ़ते हैं पंजाबी का स्टार्ट करते हैं तो उसमें वर्ड्स की जो मीनिंग्स हैं उनकी जो है मुश्किल पेश आती है। एक लफ्ज़ होता है घाड़ू, घाड़ू मतलब तख्लीक करने वाला, और अपर्णा पहुंचना, मित्र दोस्त, उलेखा लिखा, प्रेरणा मोड़ना जिक्र करना, परतना पलटना, और नंदिया हौसला शिकनी, लोभ लालच, ठीक है जी, मोढ़ी इब्तदा मुढ़ली इब्तदाई, वग पे टुर पे, ठीक है, चले गए रवाना हो गए, मत नसीहत। मेरी आवाज़ बता दें कमेंट्स में आवाज़ क्लियर आ रही है। बांग ऐलान करना, ठीक है जी, बेली दोस्त, उडीक तांग जो होती है जिसको हम कहते हैं जी, इंतज़ार करना या याद करना, ठीक है, और औकड़ या औख मुश्किल, ठीक है, जो आपका मुश्किल वक्त होता है, गोर कब्र को कहते हैं, ठीक है, और निमाणा जो है वो कहते हैं हम शोदे बंदे को, मुफलिस बंदे को, और निमाणी जो मुफलिस औरत, गरीब औरत जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, बेयारो मददगार, और पोटली कहते हैं हम जो है ना एक थैली या बैग किसी चीज़ का, तो नबेड़ा करना, फैसला करना, पक्की पैडी पुख्ता और सख्त बात, सख्तगीर बात, पीढ़ी या लड़ी इसके ख़ानदान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पीढ़ी या लड़ी। इस तरह संदेशा पैगाम देना किसी को, संदेशा उसको कहते हैं, संदेश, और अलथन का मतलब होता है वजाहत करना किस चीज़ को, बयान करना, सरकढ़वा सरे फहरिस्त, ठीक है जी, कंडे किनारे, खेल अड का मतलब होता है अलावा, और सुट देना फेंक देना, संगी संगत दोस्त, इस तरह सांझा मुश्तरक सियाफ दानिशमंदी, ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जी, फलाना सूफ़ी शायर जड़ा ना उन्होंने सियाफ वंडिया, ठीक है ना, वो अपने आबाई इलाके जाके ते तसव्वुफ़ दा सियाफ वंडिया, दानिशमंदी तकसीम की थी। अच्छा जी, टुरना चलना अखर लफ्ज़, और घट कम वाज आवाज़, प्रचारक मुबल्लग, और नथ पाना काबू पाना, निक्का छोटा होता है और नक्का जो है ना वो सुराख को कहते हैं, और वाशना खुशबू को कहते हैं किस चीज़ की खुशबू, और भोएं कहते हैं हम ज़मीन को। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर तसव्वुफ़ के ऊपर सवाल आता है तो तसव्वुफ़ को डिफ़ाइन करने से पहले आपने दो तीन बातें जहन में रखनी हैं। एक तो तसव्वुफ़ जो है वो मज़हब की एक ऐसी लड़ी है जिसको कुछ मज़हब का जो सेक्शन है वो तस्लीम नहीं करता, कुछ जो है इसको बहुत ज़्यादा तस्लीम करता है। उस बहस में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको एक सतही अंदाज़ में लेकर चलेंगे, इसमें वो पॉइंट्स हम क्लेरिफाई कर देंगे जो पंजाबी से रिलेटेड है। अब अगर हम कहते हैं कि जी सवाल आता है कि तसव्वुफ़ की है ते तसव्वुफ़ दे ओ तनज़लात या मंजिलां केड़ियां ने,
जिन्हां नूं इस्तेमाल करदे हां, सूफी अपने उस मकसद तक अपड़ जांदा है जिहड़ा मकसद, जिस मकसद दी नीह उहदे मुर्शिद ने रखी हुंदी है। तसव्वुफ का जब आप तारुफ लिखेंगे तो तारुफ में आप तीन चार बातें मोटी मोटी ये लिखेंगे कि इल्म, रूहानियत, ठीक है, अल्लाह ताला से जो इश्क, इश्क हकीकी है, और उस इश्क हकीकी की जो मंजिलें हैं उनकी जो आगही है या आगाही है या उसके बारे में इल्म है, या वो जो दर्जात हैं, वो जो मंजिलें हैं जिनको आप हासिल करने के लिए तसव्वुफ को इख्तियार किया है, इनका ज़िक्र लाजमी करना है। अगर आप लिख रहे हैं कि तसव्वुफ की है, तारुफ लिखा तुसी, तो फिर तले लिखना है जी इल्म दी रोशनी, इश्क दी सौदेबाजी, शऊर दी अपड़, रूहानियत दी नीह, दर्जात दी उचीच, ठीक है, तो वसल दा मौजब तसव्वुफ नू मनिया जांदा है। अच्छा, अब तसव्वुफ का तारुफ लिखते हुए आपने ये चार पांच ये आप जहन में बिठा लें कि इल्म, अमल, इश्क, रूहानियत, अल्लाह ताला से ताल्लुक, मुर्शिद की तलाश और मुर्शिद की जो लोड़ होती है उसको, ये चार पांच बातें मोटी मोटी आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने बता देनी है। अच्छा, तसव्वुफ क्या है, इसके दो तीन पैराए हैं कि एक तो उसकी इस्तलाही तारीफ़ की जाए, एक लुगवी तारीफ़ की जाए। लुगवी मैंने उसके निकाले तो उसमें चार हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि चार असी गवेड लाने हैं, बारे चार अंदाज़े असी लाने हैं। चार अंदाज़े की ने कि पहला अंदाज़ा है कि जी सोफ, जड़ा लफ्ज़ है सोफ, सोफ ऊन का लिबास नु किया जाता है, तो जड़ा ऊन का लिबास पावे उन्हों सूफी आख्या जाता है। इस तरह असहाब सुफा दे तौर तरीके ते चलन आला, सुफा असहाब सुफा, वो जो सुफा एक चबूतरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के करीब, तो उसमें असहाब सुफा पर वहाँ पे कोई सहाबा कराम ठहरते थे और वो इल्म और अमल की बातें सीखते और सिखाते थे, तो वो असहाब सुफा के जो अमल है, जो तौर तरीका है, वो जो है ना खालिस मकसद उनका दीन था, खालिस उनका जो मकसद था वो मज़हब था, खालिस मकसद जो रूहानियत, तज़किया नफ्स और अंदर की पाकिजगी और जो चीज़ें थी मज़हब से खालिस रिलेटेड, रूहानियत से खालिस रिलेटेड वो थी वहाँ पे। अच्छा, चौथा जी सूफी जड़े न अहले अहले सफ़ा विचू होने ने, ठीक है, कि सफ़ा सफ़ा और मरवा की जो दरमियान की जो कोशिश है, वो जो भाग दौड़ है, उस दौरान जो जो एक मशक्क़त होती है, ये असहाब सुफा और है, अहले सुफा और है। और इसी तरह चौथा जो इसका गवेड़ है वो ये है कि पहली सफ़ेच खलोन आलियानु सूफी कहा जाता है, मतलब वो जिनको हम अंग्रेज़ी में फ्रंट लाइन फाइटर कहते हैं, या फ्रंट लाइन जो लोग होते हैं जो मज़हब को, आप देख लें जिस तरह हम हिस्टोरिकल आस्पेक्ट से देखते हैं तो सूफिया ने, हमारे औलिया कराम ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया हमारी हिस्ट्री में, मज़हब को रिवाइव रखने के लिए, मज़हब को इंटैक्ट रखने के लिए हमारी सोशल लाइफ में उनका किरदार जो है ना वो मैनीखेज है। तसव्वुफ़ का लुगवी मैनी और उसके बारे में जो अकवाल हैं उसकी एक आप हेडिंग दे देंगे, उसके बाद तसव्वुफ़ के इस्तलाही तारीफ़, ठीक है, इस्तलाही तारीफ़ में जब आप आते हैं तो उसमें दो तीन, दो ज़्यादा से ज़्यादा आप दो जो है ना सूफ़ी जो उनको कोट कर दें उनकी जो तारीफ़ें हैं। जब हम इसकी बात करते हैं इस्तलाही मैनू में तो हम तज़किया नफ्स, ठीक है, अंदर के नफ्स को दबा देना और नेकी का जो नफ्स है, नफ्स अमारा, जो नफ्स लवामा, नफ्स अमारा, जो अंदर की जो बदी और नेकी के जो ज़मीर हैं आपके, उन एक को जगा देना, एक को ऊपर ले आना, एक को मार देना जो बुराई वाला है, और इन नफसानी ख्वाहिशों, दुनियावी ख्वाहिशों को दबाना और उनके बारे में इल्म रखना ताकि आप दूसरे लोगों को भी उसकी तलकीन कर सकें, तो ये तसव्वुफ़ कहलाता है। तसव्वुफ़ दिल की सफाई का एक बहुत बड़ा वसीला है। दाता हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह ने कशफ़ुल महजूब विच काफ़ी इदते
चानन पाया है। तो वह कहते हैं कि जी तसव्वुफ एक हकीकत है तो जिसकी कोई पहचान नहीं, ठीक है, मतलब तसव्वुफ एक वजूद रखता है लेकिन उन्हें तुम पहचान नहीं सकते। इस तरह हज़रत मुर्तश नैशापुरी कहते हैं कि सूफी वो है जिसका इरादा उसके कदमों तो अगा नहीं बढ़ता, मतलब उसका जो नफ्स है उसके अपने काबू में होता है, कंट्रोल में होता है, और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपने जिस्म से आगे नहीं बढ़ने देता। इस तरह आगे चलकर मुर्तश नैशापुरी साहब फरमाते हैं कि चंगे इखलाक का नाम तसव्वुफ है, मतलब ये बात बहुत सारे सूफिया कराम ने फरमाई है और बहुत सारे सूफिया कराम का ये वतीरा भी रहा है कि इखलाक की जो बालिदगी है, जो एक पुख्ता इखलाक है, अच्छा इखलाक है, क्योंकि इसमें आप एक हदीस भी कोट कर सकते हैं कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका दूसरे इंसानों के साथ इखलाक अच्छा है। और इस तरह आप कुरान मजीद की कोई एक आयत है वो कोट कर सकते हैं, कोई भी आपको जो आपने आपके इल्म में हो, जैसे इंसानों के साथ ऐसन तरीके से बात करो, ऐसन तरीके से बोलो, तो वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। उस तरह हज़रत जुनेद बगदादी जो बहुत बड़े बगदाद के सूफ़ी गुजरे हैं, वो कहते हैं कि सूफ़ी ओ ए जड़ा दोस्ती हज़रत इब्राहिम, तस्लीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सब्र ते गम हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, ते शौक हज़रत मूसा, ते इखलास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू हासिल करे। मतलब वो तमाम अंबिया दी जड़ी इनफरादी खसूसियात सन उन्होंने तसव्वुफ दी नींह करार देंदा। जुनेद बगदादी होरां ने नींह करार दिता है कि सूफी वो होंदा है जड़ा दोस्ती हज़रत इब्राहिम अली निभाए, तस्लीम हज़रत इस्माइल अली है, ठीक है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और कुर्बानी के लिए उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया था, सब्र और गम जो हज़रत अयूब, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पर जितनी मुसीबतें आईं, जितनी उनके ऊपर मुश्किलात आईं, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपने अल्लाह ताला को के साथ लौ लगाए रखी, तो अल्लाह ताला ने बाद में उनको नवाज़ा। तो सब्र और गम हज़रत अयूब वाला, और शौक़ हज़रत मूसा, मुलाकात का शौक़, ठीक है, रूहानियत में असल शौक़ की मुलाकात का शौक़ होता है, तो हज़रत मूसा से इखलास हज़रत मोहम्मद तो हासिल करें। अच्छा, उसके बाद असी तसव्वुफ दी मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू नाल अगर गल करिए, तो मज़हब दे हिसाब नाल तसव्वुफ मज़हब दे दो लड़ियाँ ने, एक लड़ी शरीयत है और एक लड़ी जड़ी तरीकत है। तरीकत दी जड़ी सब तो मजबूत तुसी कह सकते हो कि एक पहचान है, वह तसव्वुफ है। तो तसव्वुफ दे अगे दो तीन पक्ष ने जड़े असी बाद डिस्कस करने हैं। पहले असी तसव्वुफ नू नबेड़ लईए कि तसव्वुफ मज़हब दी रूह नाल इहदा की इहदी स्टैंडिंग है, तो की इहदा जड़ा ओए मकाम है। अच्छा, उसके बाद बातिन दी तामीर, एक सूफी फरमाते हैं कि बातिन दी तामीर इस्लाह ते इखलाक दी तहारत दा नाम तसव्वुफ है, कि तुहाडा जिहड़ा इनर सैल्फ है उहनूं तुसी बिल्डअप कर रहे हो, ते नाले तुसी अपने इखलाक नूं अच्छा करन विच लगे हो, ते नाल उहनूं पाकीज़ा करन विच लगे हो, इहदा नाम उन्होंने तसव्वुफ रखिया। तसव्वुफ दी असल नेह की है, मतलब असल उहदी की है कि उहनूं हदीस ते कुरान दे पैराएच अगर तकिया जावे तो वह किस तरह है। कुरान दे विच इहदा जिक्र है कि इदखलो फिस सिलम काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, कद अफलाह मन तज़क्काहा, फलाह पाई उसने जिसने अपने नफ्स नू पाक किया। और दूसरा तुसी हबलल वरीद शहरक दे करीब, अल्लाह ताला तुहाडी शहरक दे करीब है, अफला या तदब्बरून, क्या वो सोच विचार नहीं करते, वो सोचते नहीं, ठीक है। इस तरह दुनिया दी बेसबाती जड़ी है कि दुनिया दी जड़ी अहमियत है, वैल्यू है, वो किसे एक गंदे लोथड़े तो इलावा कुछ नहीं, एक गंदगी दे इलावा कुछ नहीं, एक सूफियाना एक सोच है। और कुरान मजीद भी दो तीन दफ़ा इहदा जिक्र है कि
दुनिया जड़ी ना खेड तमाशे तो अड कुछ नहीं, ठीक है, दुनिया एक खेड तमाशा है जड़ा अल्लाह ताला ने अपने उदे उस रचाया है। अच्छा फिर असी आ जाने दी हदीस दे पैराए नाल, इहदी क्या अहमियत है, इहदी क्या वैल्यू है। हदीस से चाहता है कि तू इस तरह इबादत कर जिस तरह तू अल्लाह नू वेदा है, तो इस तरह इबादत नहीं करता तो इस तरह कर के अल्लाह तैनू वेदा है। इसमें भी मतलब ये है कि एक शर्फ कबूलियत और शर्फ मुलाकात है कि नमाज जो है वो सूफियों का एक बहुत बड़ा एक टूल रहा है अल्लाह ताला से मुलाकात करने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज के ऊपर ज़ोर दिया और कुरान मजीद में भी नमाज की फ़र्जियत पर ज़ोर दिया और सूफिया इकराम का भी सारा जो मंबा है वो नमाज पर ही रहा है। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही है कि तू ऐसे इबादत कर कि जैसे तू खुदा को देखता है, अगर ऐसे नहीं कर सकता तो इस तरह इबादत कर कि खुदा तुझे देखता है। तो ये हदीस के पैराए में इस तरह एक और हदीस है कि मन अरफ नफ्सहु फ़कद अरफ रब्बहु, कि जैं अपने नफ्स नु पहचान लिया उन्हें अपने रब नु पहचान लिया। मतलब ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ एक्चुलाइजेशन है कि इंसान जब तक अपने अंदर को खुद को नहीं पहचानता, हु एम आई का जवाब नहीं तलाश कर पाता तो वो अल्लाह ताला को कैसे तलाश करेगा। तो इसलिए खुद को पहचानना जो है वो असल में अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक पहला रास्ता होता है, ठीक है। उदे बाद अगर तसव्वुफ नु असी अगे लेकर चलिए तो तसव्वुफ ते तसव्वुफ इल्म ते अमल दा आपस च क्या ताल्लुक है, इहदे बारे च मुख्तलिफ सूफियां दा मुख्तलिफ उदी रिवायतां रहियां ने। उहदे च अमल ते इल्म लाजम मलजूम ने, ते अमल ते इल्म दे दरमियान एहसान दा लफ्ज़ आंदा है। एहसान बहुत ज़रूरी है, तुसी इल्म हासिल कीता है ते उहदे ते अमल नहीं कीता तुसी जिंदगी को, ते इल्म हासिल कीता है ते तसव्वुफ इख्तियार नहीं कीता तुसी फासे को, ते जिवें दोएं हासिल कीते ने उस हकीकत तो कम लिया। मतलब ये इमाम मालिक का कौल है कि जिन्हें तसव्वुफ इख्तियार कीता वो जंदीक है, तो जिसे दीन दा इल्म हासिल कीता ते तसव्वुफ इख्तियार नहीं कीता वो फासिक है। मतलब इल्म दे बगैर तसव्वुफ इख्तियार करना भी कुफर वल तुहाडी रहनुमाई करेगा। अगर तुसी इल्म हासिल करने दे बाद तसव्वुफ इख्तियार नहीं कीता ते फिर भी तुसी घाटे चो नुकसान चो, अगर दोवें तुसी हासिल कर लेने ते फिर तुसी हकीकत नूं पहचान लिया है। अच्छा इसमें सूफी दी जड़ी पहचान है वो बारे च की किया जाता है। पहले सूफी इबन अल हाशिम नूं किया जाता है, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर विच इस नाम का कोई मकाम नहीं सी, मरतबा नहीं सी, या मज़हब दे विच इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी इस्तलाह इस्तेमाल नहीं की जाती सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर विच सहाबी सन, सहाबी दे बाद फिर ताबी आए, साबी आए, ताबी आए, फिर तबा ताबी आए, ये दर्जे सन उस टाइम। लेकिन कुछ अरसे बाद अहले हक वालिया दे मतलब ताबियां दे तबा ताबियां दे जान दे बाद अहले हक नू सूफी किया जान लग पिया, ते ओ लफ्ज़ रिवाज पा गया। ते उना बारे अन्ने सूफियां बारे हज़रत सुफियान सूरी फरमाते ने कि जे अबू हाशिम सूफी ना होंदे ते असी रियाकारां दियां बारीकियां नू हरगिज़ ना पछाणदे। अब इस कोट का मतलब ये है कि सूफियाना जो है, सूफी जो पन है, ये रियाकारी से बचाता है इंसान को। इंसान को जो है ना अंदर की पाकीज़गी को ऊपर ओढ़ने में मदद देता है, ठीक है। अब तसव्वुफ़ क्या एक अलहदा मज़हब है, क्या एक वक्रा दीन है, क्या एदा शरीयत तरीकत ते शरीयत दे आपस दे विच जड़ा जोड़ है, क्या वो ये दो अलहदा अलहदा सिमतां वक्खो वक्ख सिमतां दसदा है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि तसव्वुफ जो है, अब इस पे इसको अंडरस्टैंड करना, हर बंदा इस टर्म को अपने मतलब के मुताबिक लेता है, अपने हिसाब के मुताबिक लेता है। कुछ लोग तसव्वुफ़ को रहबानियत का दर्जा देते हैं कि जी, अब जैसे बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे क्रिश्चियन
बहुत सारे जो बुद्ध मत के लोग थे या जैन मत के लोग थे वो मज़हब इस्लाम में जब दाखिल हुए तो मज़हब इस्लाम में दाखिल होने के बाद उन्होंने वो जो उनके मज़हब की रहबानियत थी, तर्क दुनिया थी, उसको भी हमारे मज़हब में ले आए। इसका रहबानियत का हमारे दीन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मज़हब है इस्लाम है वो हमारी तरीकत जो है, तरीकत को एक रूहानियत या आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत जोड़ने का एक तरीका ज़रूर है, लेकिन तर्क दुनिया उसमें हरगिज़ नहीं है। तमाम उलमाए कराम का मुत्तफिका ये व्यू है कि तसव्वुफ़ से मुराद हरगिज़ इसमें ये है कि जो सूफ़ी हज़रात होते हैं या जो औलिया कराम होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को हिदायत देने के लिए अपनी खानकाहों में बैठ जाते थे और उनको अपने अमल के ज़रिए मज़हब की तरफ रोशनास कराते थे या उनको मज़हब सिखाते थे। तो उसका हरगिज़ इस तरफ इसको अटैच करना नहीं बनता और ना ही इसको करना चाहिए। हाँ, इस पे हम फिर बहस करेंगे वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद में। इस पे मज़हब और दीन में जो मतलब एक एक डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर तरीकत पे हम आते हैं तो हम तरीकत पे बात करते हैं कि ला महबूब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं है। ला मतलूब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई मतलूब हमारा मतलब नहीं है या हमारी जो ख्वाहिश है वो नहीं है। ला मकसूद इल्लल्लाह, कि हमारा जो मकसद है वो अल्लाह के अलावा नहीं है। ये तरीकत का एक पैराए है। शरीयत का पैराए ये है कि ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह के सिवा मतलब अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। ला मस्जूद इल्लल्लाह, के सजदे के काबिल कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह ताला के सिवा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा आपकी हाजात जो रिस्क है, जो हाजत रवाई है वो देने वाला कोई नहीं है। अब जब हम आते हैं तसव्वुफ़ पे, तसव्वुफ़ को ये लोग कहते हैं कि तरीकत का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब ये दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारे मज़हब इस्लाम में शामिल होते हैं तो उससे ये होता है कि ये रहबानियत की तरफ ये हिस्सा चला जाता है। और रहबानियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला रहबानियत फिद दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, कि दीन इस्लाम में रहबानियत का, तर्क दुनिया का, तर्क मामलात का, तर्क मुआशरत का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली इस्लाम नाम ही इबादत और मुआशरत का है, कि क्योंकि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसमें आपको तमाम मसाइल का हल मिलता है, तमाम चीज़ों का सलूशन मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये फ़लसफ़े की एक शाख है तसव्वुफ़, जो हर मज़हब में पाई जाती है, सिर्फ मज़हब इस्लाम में नहीं पाई जाती बल्कि हर मज़हब में इसका एक किसी ना किसी हद तक इसका वजूद पाया जाता है। अब जब हम उस पर आते हैं, इसको हम कहते हैं माहियत वजूद, मतलब हमा ओस्त कहते हैं, हमा अज ओस्त कहते हैं इसको। हर मज़हब अपने पैराए में खुदा के साथ ताल्लुक़ जोड़ने और खुदा को मरकज़ और महवर तस्लीम करते हुए पूरी कायनात का जो है ना उसके ऊपर अपने मुख्तलिफ अंदाजे हर मज़हब ने लगाए हैं। तो हम जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो माहियत जो वजूद है, जो ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो एसेंस है हमारा, रूह और वजूद का जो आपस में ताल्लुक़ है और इसके दरमियान जो कनेक्शन है, जो महवर है, उसको अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ला मौजूद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। इसमें अब तीन स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, कि एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो ये कहता है कि पैंथीज़म, मतलब खुदा हर जगह मौजूद है, हर चीज़ में खुदा मौजूद है, ठीक है, इसको हम हमा उस्त भी कहते हैं। और कुछ उलमा जो है ना इसको बहुत मुशरिकाना हद तक कहते हैं कि ये शिर्क है, क्योंकि आपने अल्लाह ताला को हर चीज़ में करार दे दिया तो इसका मतलब है उनकी यूनिटी जो है ना वो ख़त्म होगी। पैंथीज़म, पैन मतलब थीज़म, मतलब खुदा हर जगह पर मौजूद है। और दूसरा वहदतुल शहूद, हर चीज़ में मौजूद है, हर जगह नहीं, हर जगह तो वैसे मौजूद है अल्लाह ताला, हर चीज़ में मौजूद है, मतलब हर चीज़ में उसका वजूद है, जो ये जो वजूद है ये उसी का ही, उसके वजूद का, अल्लाह ताला के वजूद का एक हिस्सा है।
दूसरा कंसेप्ट है वहदतुल वजूद का, ठीक है। वहदतुल वजूद जो है ये अंदलुसिया के इब्न अल अरबी, जिनको मोहियुद्दीन इब्न अल अरबी और कहा जाता है शेख अल अकबर, तो उनका ये एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया था। और ये बेसिकली ये फ़लसफे की ही बात थी, ये खुदा के ताल्लुक को इंसान के साथ और जो ये कायनात में मौजूदात हैं इनके साथ उसका रिलेशन जोड़ने के लिए ये बात इस पे बहस की गई थी और इस पे ये उसकी थ्योरी थी। वहदतुल वजूद को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं जी डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, के जो शेख अल अकबर थे वो ये कहते थे कि हकीकी वजूद जो है ना वो एक है और इस कायनात में जो बाकी वजूद हैं जो मुतशक्किल हालत में हैं या किसी सूरत में या किसी शक्ल में हैं तो वो सारे जो हैं वो अक्स हैं अल्लाह ताला की वजूद का। मतलब ये सारा जहान जो है ना शीशा है और इसमें जो मौजूदात हैं इनमें जो रिलेशन है, जो रूह है, जो एसेंस है, जो एग्जिस्टेंस का एसेंस है वो सारा अल्लाह ताला का है। मतलब हकीकी वजूद जो है ना वो एक ही है लेकिन उसके जो अक्स मुख्तलिफ सूरतों में फैले हुए हैं। अच्छा, बाकी मौजूदात जो हैं वो इस वजूद वाहिद की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अब इस बात पे अगर हम बहस छेड़ते हैं तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का जो है वो मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ इसको कहते हैं कि जी ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। शरीयत का और वहदतुल वजूद का आपस में जो ताल्लुक़ है वो बहुत कंट्रेरी है। आम मुसलमान जो आम आदमी है अगर उसको ये कंसेप्ट दिया जाए तो वो शायद इस कंसेप्ट को गलत पैराए में लेकर तो गलत साइड रास्ते पर निकल पड़े। तो इसको कहा जाता है कि सूफिया कराम ने अपने हद तक महदूद रखा और उन सूफियाओं की भी नंदिया की, उन सूफियाओं को भी मुखालफत की जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सूफीज़म वो सूफ़ी बने हुए थे, इल्म उनके पास नहीं था। तो जो बहुत सारे अकाबरीन हैं, सूफिया कराम हैं, वो वहदतुल वजूद को ही दीन की बुनियाद समझते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला का जो वजूद है वो एक ही है और ये जो तमाम इर्द गिर्द कायनात की जो कॉस्मिक और यूनिवर्सल जो क्रिएशन है वो सारी अल्लाह ताला का एक अक्स है, ठीक है। इसी तरह मंसूर अल हलाज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। मंसूर अल हलाज जो है वो इसी वहदतुल वजूद से वो आकर तो उसने अनल हक का नारा लगाया था। मेरे एक इंटरव्यू में मुझे मंसूर अल हलाज के बारे में पूछा गया था तो मंसूर अल हलाज जो है ना ये लफ्ज़ ये होता है जो रुई धनकते हैं ना उनको कहा जाता है अरबी में, रुई धनकना, जो रुई धनकते हैं उनको कहा जाता है अल हलाज। तो ये रुई धनकने वालों के ख़ानदान से था और ये एक ऐसी सूरत में आ गया कि इसने अनल हक का नारा लगा दिया और शरीयत के कानून के मुताबिक इसका जो अनल हक का उन्होंने मतलब लिया वो ये लिया कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, मैं खुद में खुदा हूँ। अब बात ये थी कि ये हम जब शेख अहमद सरहिंदी को देखते हैं तो मुजद्दद अलिफ सानी जो जिनको अहमद सरहिंदी कहा जाता है उन्होंने वहदतुल वजूद को आगे बढ़ाते हुए मतलब उसको निगेट नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी मुखालफत की, उसको निगेट किया, लेकिन ऐसा हरगिज़ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बात की वहदतुल शहूद की और वो ये कहते हैं, उनका ये था कि मंसूर अल हलाज ठुड्डा खादा ते हेठली पौड़ी तू उतली पौड़ी तक अगली पौड़ी तक उन्होंने अपनाण वाला कोई नहीं सी। मतलब ये एक मंजिल थी, एक सीढ़ी थी जिसकी तरफ वो जा रहा था और उसको अगली सीढ़ी पकड़ाने वाला कोई नहीं मिला और वहीं से वो जो है ना वो गिर गया, ठुड्डा खा गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक गालिब का एक शेर है कि हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। जो मुजद्दद अल अफसानी हैं वो ये कहते हैं कि वहदतुल शहूद का जो कंसेप्ट है
जिसको आप यूनिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन या यूनिटी ऑफ जो है आप उसको कहते हैं यूनिटी ऑफ परसेप्शन, यूनिटी ऑफ विटनेस, यूनिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो उनका ये कहना है कि जो गॉड अल्लाह ताला है और उसकी जो क्रिएशन है दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। हाँ, जो क्रिएशन है वो अल्लाह ताला का जो सिफात हैं उनका रिफ्लेक्शन ज़रूर है। मतलब अगर कोई शख्स रहम करता है, अगर कोई शख्स के अंदर हिल्म पाया जाता है, सिला रहमी पाई जाती है, माफ़ करने की जो है वो सलाहियत पाई जाती है, या किसी शख्स के अंदर जो है ना अल्लाह ताला का कोई एट्रीब्यूट पाया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर हो सकती है कि अल्लाह ताला के उन 99 एट्रीब्यूट्स में, उनके 99 उनकी खसूसियात में कोई खसूसियत अल्लाह ताला ने उसमें डाल दी। और वो ये कहते हैं कि गॉड इज़ ओनली द रियल एग्जिस्टेंस, उसका जो वजूद है अल्लाह ताला का वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, उदे तो अड सारियाँ चीज़ा जड़ियाँ ने तखय्युल ने ख्याल ने। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह दी, उसकी वजाहत उन्होंने इस तरह की कि उन्होंने एक लकड़ी ली, लकड़ी के ऊपर मुजद्दद अलफसानी ने जो अपनी किताब थी तसव्वुफ़ के ऊपर उनमें उसमें ये तजर्बा किया कि उन्होंने एक लाठी ली और लाठी के ऊपर कपड़ा बांधा, उसको ऑयल तेल में भिगोया और उसके ऊपर आग लगा दी और आग लगाकर उसको अपने इर्द गिर्द घुमाया और घुमाते रहे और वो एक आग का दायरा बन गया उनके गिर्द। तो उन्होंने कहा कि ये जो लकड़ी के ऊपर आग है ये सिर्फ़ एक आग का वो जला हुआ वो हिस्सा है लकड़ी का, लेकिन आपको आग पूरे दायरे में नज़र आ रही है। इट मीन्स के अल्लाह ताला वही नूर का जो मंबा है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जो है वो मंबा है उस एक चीज़ का, वो एक है लेकिन उसका जो अक्स है, उसका जो शेडो है वो आपको हर जगह नज़र आता है। दैट इज़ द यूनिटी ऑफ विटनेस, वादतुल शहूद का जो कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है। उसमें वादतुल वजूद के जो तनज़लात हैं, जो मंजिलें हैं, वो तकरीबन 7 हैं। इसमें जो पहला जो लाहूत से इल्म अजमाली और हकीकत मुहम्मदिया, अयान सबका, आलम अरवाह, आलम इमसाल और आलम अजसाम और हज़रत इंसान का वजूद, ये 4-5 ये जो 7 स्टेप्स हैं इसमें ये है कि इंसान पहले अल्लाह ताला के नूर का एक हिस्सा होता है, फिर अल्लाह ताला उसको अपना एक वजूद देने के लिए हकीकत मुहम्मदी में ढालता है, फिर उसको अल्लाह ताला जो है ना उसको एक ऐनल वजूद में लेकर आता है, एक शक्ल दे देता है उसको, एक अपने हाथों से बना देता है, फिर उसको रूह दे देता है, मुजर्रद चीज़ बना देता है, फिर आलम अमसाल में एक लतीफ़ चीज़ बनाकर वो आलम अमसाल में भेज देता है उसको, और फिर उसको आलम अजसाम में भेजता है जहाँ पर सारे इंसान जो है ना वो मौजूद होते हैं और वहाँ पर उसकी जो हालत है वो मुरक्कब और कसीफ़ हो जाती है, मतलब वो एक रिफ़ाइंड एक इंसान बन जाता है। तो उसके बाद जो है ना वो इंसान की पैदाइश होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आलम अरवाह, आलम अजसाम, आलम अमसाल और आलम बरज़ख और वो सारे जो कड़ियाँ हैं वो ये वहदतुल वजूद की निशानियाँ वो बताते हैं इब्न अल अरबी साहब। इब्न अल अरबी का नाम तो आप लोगों ने अब सुन ही लिया होगा, अरतरल में जो अरतरल को गाइड कर रहे हैं एंडलुसिया के इब्न अल अरबी, ये वही इब्न अल अरबी हैं जिन्होंने वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, इस पे बात आती है कि अल्लाह जो है वो नूर है, और इसके ऊपर अभी आप रिसर्च भी बहुत सारी आ रही है, जिस तरह गॉड पार्टिकल की रिसर्च है फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, जो एटम को तोड़ तोड़ कर बार 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 वो मिन्यूट एक एटम, गोल्डन एटम जो है ना वो ढूंढा जा रहा है ताकि जो है ना उसमें उसको जो है ना जो वर्ल्ड की जो ओरिजिन है उसको, इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अल्लाह ताला एक नूर है और नूर जो 70,000 नूरानी और 70,000 आतशी पर्दों में छुपा बैठा है, और वो नूर है जिसकी वजह से ये जो मादा है, इंसान जो मादा हालत में आया है, मटेरियल फॉर्म में आया है, तो ये उसकी क्रिएशन उस नूर की
उस तवानाई से उसका अखराज हुआ और वहीं से इसका जो है ना वो बना। तो ये एक साइंटिफिक डिबेट हो जाती है, इस पर हम नहीं पढ़ना चाहते, हमने सिर्फ तसव्वुफ को लेकर चलना है और उसका भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। और वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद जो है ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको डिटेल से बताए। इसके बाद तसव्वुफ ते फिक्र विच फ़र्क, फिक्र जड़ा फ़कीरी इख्तियार करना, कलंदर बन जाना, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो फ़कर है वो जो फ़कीर है वो सूफ़ी नहीं बन सकता, क्योंकि फ़कीर के पास इल्म नहीं होता, उसके पास करामात होती हैं, और सूफ़ी के पास इल्म भी होता है और करामात भी होती हैं। फ़कीर जो है वो हराम हलाल और जन्नत दोज़ख का ख्याल रखता है, और सूफ़ी जड़ा है वो फ़िक्र तो गना विच इको जियाँ रहकर रब दे इरादे नू खुद विच फना कर देना है। और हज़रत ज़ुलनून मिस्री के बकौल सूफ़ी वो है जड़ा बोले तो हकीकत खोले, जेकर चुप रवे तो उसका हर रंग ला ताल्लुकी का इजहार करे। मतलब अपने आप में जो सूफ़ी है वो एक इल्म का दरिया होता है, वो हिदायत का एक मंबा होता है और नूर का ऐसा सरचश्मा होता है जिसे लोग अपनी बातिन की पाकीज़गी, बातिन की इस्लाह और बातिन की जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्योरिफिकेशन है उसको वो लेकर चलता है। इसमें अगर हम तसव्वुफ का जो करें कंक्लूजन, तसव्वुफ के सवाल का, तो कंक्लूजन यही बनता है कि तसव्वुफ खालिस एक इस्लामी नुक्ता नज़र है, अगरचे ये आम इंसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उलमा हज़रात और औलिया कराम जो अपनी ज़ात, अपनी दुनियावी जो मामलात हैं उनको फना करके इश्क़ इलाही और इश्क़ मुहम्मदी में अपनी वो तमाम जो कुर्बानियां हैं, तमाम वो जो चीज़ें हैं वो दे चुके होते हैं। तसव्वुफ को रहबानियत के साथ, तर्क दुनिया, साधुइज़्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये मुकम्मल इस्लामी है, मज़हबी है, और इसका जो काम है वो इखलाक मखलूक के साथ, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ इखलाक बांटना है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए आपको मखलूक के साथ ताल्लुक़ जोड़ना पड़ता है। तो सूफ़िया कराम और औलिया कराम का यही वतीरा रहा है कि उन्होंने लोगों को हिदायत दी और लोगों को हिदायत देने के रास्ते से ही वो लोग अल्लाह तक पहुँचे। अच्छा, इसमें हम सूफ़ी हमारा जो आगे लेक्चर सीरीज़ रहेगी वो हम इन सूफ़ी शोरा को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने एक सूफ़ी शायर जो है ना इसमें अटैच किया है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, ठीक है, इनको बाबाए पंजाबी कहा जाता है, पंजाबी दा मोढ़ी शायर इन्हों किया जाता है। इन्हों की जिंदगी देते थोड़ा जहा चानन पाने तो अगे बढ़ने, इन्हों का असल ना मसूद सी ते लकब फरीदुद्दीन सी। 1188 काजी जमालुद्दीन सुलेमान बिन शुएब काजी दे घर ए पैदा होए। काजी जमालुद्दीन कोठेवाल दे काजी सन, ते इन्होंने मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी कोलो मुल्तान विच तालीम हासिल की। तीन सालां विच, तीन वरियां विच इन्होंने तफसीर, हदीस, असूले फिक्का, फलसफा, मंतक ते रियाजी दियां किताबां पढ़ छड़ियां। मुल्तान च ही शेख जलालुद्दीन तबरेजी ते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाल इन्हां दा टाकरा होया, ते उदों ही नाफे पढ़न दा वाकया पेश आया। आप वो किताब पढ़ रहे थे तो ख्वाजा बख्तियार काकी वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा जी नाफे पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नाफे पढ़ रहे हो तो ये ज़रूर नफ़ा देगी। तो इस्लामी मुल्कां दा इन्होंने दौरा किया, उमरा, हज करन पारों, बहाउद्दीन ज़करिया नाल इन्हों की मुलाकात मुल्तान विच होई, वालदा दा नाम कुरसम बीबी ते वो मौलवी वजीउद्दीन दी बेटी सन, ते आप दे दो छोटे भरा अजीज़ुद्दीन महमूद ते नजीबुद्दीन महमूद सन। बख्तियार काकी दी बैयत करके सिलसिला चिश्तिया विच आप शामिल होए, ते आप दी पीढ़ी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाल मिलदी है।
गन शक्कर होन पा रहे। इन्हों का जो लकब है गन शक्कर, खिताब है गन शक्कर, उन्होंने बारे चंद रिवायत ने, तीन रिवायत बड़िया मशहूर ने। एक रिवायत है कि जी आप दी वालदा कुरसम बीबी आपनू नमाज की आदत पाने लई शक्कर की जड़ी पूड़ी सी वो जाए नमाज तले रख देंदे सन। तो एक दिन वालदा साहिबा जाए नमाज तले शक्कर की पूड़ी रखना भुल गए। तो जदों इन्होंने नमाज ख़त्म करके जाए नमाज चुकी तले शक्कर की पूड़ी मौजूद सी, इस करके इन्हों गन शक्कर का खिताब मिलया। दूजी रिवायत जी उस सुदागर जड़े सन ओठा तो शक्कर लेकर जा रहे सन, तो आप सल आप रज़ी अल्लाह तआला सॉरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि की लैके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा जी लूण है, नमक है। तो उन्हें कहा जी लूण है तो फिर लूण ही होएगा। उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद से अपड़ के जदों सारिया बोरियाँ खोलियाँ तो वह लूण ही सी, तो वापस परते और आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत हाजिर होए तो माफ़ी मंगी अपने झूठ बोलन ते दरखास्त की थी कि तुसी दोबारा इनू शक्कर बना दो। आपने कहा जी शक्कर सी तो शक्कर ही होएगा, फिर उन्हें जाके वेख्या तो वह शक्कर ही सी। अच्छा दूजा तीजी जड़ी रिवायत हो कि जी आप रोज़ा खोलन लई आपने एक मिट्टी का रोड़ा मुँह च पाया तो वह शक्कर बन गया, इस तरह उन्होंने नाम शक्कर हो गया। अजोधन विच तबलीग, आप दे मुर्शिद ने आपनू अजोधन पाक मौजूदा पाक पतन दे इलाके संदलबार नीलीबार ते गंजी बार दे कबीलियां विच 24 वरिया तक इस्लाम की मिठास वरतांदे रहे अपने मुर्शिद दे हुकम ते, ते इत्थे ही 1280 नू विसाल पाया। 1188 विच इन्हां दी पैदाइश हुई कोठेवाल पिंड विच, ते उहदे बाद 1280 विच अजोधन मौजूदा पाक पतन विच इन्हां दी वफात हुई। अच्छा 5-10 मुहर्रम तक इन्हां दा उर्स हुंदा है, 5-10 मुहर्रम। बहिश्ती दरवाज़ा मज़ार दी जनूबी तरफ एक बहिश्ती दरवाज़ा है जिन्हों बाबे जन्नत दे नां नाल जड़ा मशहूर है, किया जाता है भाई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल तशरीफ लाए तो उन्हें फरमाया कि कोई जो कोई इस जगह तो गुजरेगा अमान पावेगा। अच्छा इसमें ये गलत कॉनोटेशन है कि जी ये जन्नती दरवाज़ा है, जन्नत में दाखिल हो जाता है बंदा जब यहाँ से गुजर जाता है। आप इन अल्फाज को समझें, जो कोई इस जगह तो गुजर गया तो अमान पावेगा, मतलब महफूज हो जाएगा, उसको उसके जो मुश्किलात हैं मंजिलें हैं वो आसान हो जाएंगी। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो वहाँ से गुजरेगा और जन्नत पास कर लेगा। अच्छा मुरीदेन खुलफा ते तसव्वुफ दिया किताबां, आप दे मुरीदेन विच अलग खान गयासुद्दीन बलबन इन्हां दे मुरीद सन, और ख़ास खुलफा विच हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत इमामुल हक सियालकोटी, हज़रत अलाउद्दीन मौज दरिया, ये तीन बड़े नाम हैं। तसव्वुफ़ दी जो किताबां इन्होंने लिखियां वो मुख्तलिफ जड़े औलिया कराम सन उन्होंने तसानीफ नू मुख्तलिफ रंग दिता। राहतुल कलूब निज़ामुद्दीन औलिया ने तरतीब दी इन्हों की किताब। इसरारुल औलिया शेख बद्रुद्दीन इसहाक ने इन दी किताब तरतीब दी। तो फवायदुल सालकीन हज़रत कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इनू तरतीब दिता। तो शेख इब्राहिम फरीद सानी दी इजाज़त नाल शलूक के बाबा फरीद गुरु ग्रंथ साहब विच शामिल हो, तकरीबन 150 तो उत्ते इन्हां दे शलूक ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब विच इन्हां दी इजाज़त नाल शामिल होए ने। अच्छा इन्हां दी शायरी दी अगर असी शायरी दा जिक्र करिए, शायरी वाले सी नज़र दौड़ाइए ते फरीदा मैनू मुंज कर निक्की कर कर कुट भरे खजाने रब दे जो भावे सो लुट। इसमें ये बताया गया है कि मैनू मुंज कर मतलब ईगो को ख़त्म करने का, आपकी आपका जो नफ्स है आपका बुराई के ऊपर उकसाने वाला जो नफ्स है उसको दबाने का हुक्म है। फिर जब आप अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी बरज़ा रज़ाए इलाही जो है ना आप उसमें शामिल हो जाते हैं। फरीदा काले मेरे कपड़े ते काला मेडा वेस गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश। ये जो है वो उन्होंने अपनी नंदिया की थी, अपनी अपनी तारीफ़
दे खिलाफ ओ गल कर रहे हैं कि जी मैं काला तो मेरा वेस भी काला तो मैं गुनाही भरिया तो लोग मैनू दरवेश कान। उसके बाद बाबा फरीद की जिहड़ी शायरी उन्हें सत रंगी पींग किया जाता है कि उन्हां विच उन्हां ने हर उस पहलू ते रोशनी पाई चानन पाया जिस पहलू ते उस टाइम मुसलमान घिरे हुए सन ते अपनी मुश्किलात विच फसे हुए सन ते उन्हां नूं उन्हां नूं मुश्किलात चों कढ़न लई अपनी शायरी दे राहीं उन्हां दे डायरैक्ट एड्रैस किया उन्हां दे मसाइल नूं। हौसला ते सबर, ठीक है, हौसला ते सबर उन्होंने इस्तकामत ते सबर, मतलब ये दो आप हेडिंग्स बना सकते हैं कि हौसला ते सबर, इस्तकामत ते सबर, ठीक है। इसमें शायरी आप मुख्तलिफ ले सकते हैं, इनकी शायरी बहुत वसी है, जो जो आपको अशार जो हैं वो आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, उनको आप मेमोराइज़ कर लें। अब इसमें मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप एक सवाल लिख रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के ऊपर और वो सवाल आप 6 से 7 सफ़ों का लिख रहे हैं, उन 6-7 सफ़ों में आपकी इनकी लाइफ हिस्ट्री के अलावा कम से कम 10 से 12 हेडिंग्स होनी चाहिए और उन हेडिंग्स में कम से कम 5 से 6-7 तक अशआर होने चाहिए, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप ज़्यादा अशार याद कर सकते हैं, आपकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है, तो आप हेडिंग्स भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है क्योंकि एवरेज स्टूडेंट और जो फास्ट राइटिंगस्ट राइटर्स हैं वो भी इसको मतलब कर सकते हैं कि वो अपनी स्पीड बढ़ा लें, उसको कम कर लें, जिस तरह भी। तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो 12-13-14 हेडिंग्स हों और उन हेडिंग्स के अगेंस्ट जो है ना 7-8 हेडिंग्स में अशार आपके होने चाहिए। अच्छा, हौसला ते सबर और इस्तकामत ते सबर, रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी ते न तरसाई जी। ये वो अशार मैं पढ़ रहा हूँ जो ज़ुबान ज़द आम है और बहुत ईजी हैं मेमोराइज़ करने के लिए, याद करने के लिए बहुत आसान है। सच्चाई वल प्रेरणा, ठीक है, सच्चाई के लिए उनके 3-4 अशार हैं, उनमें से कोई आप एक याद कर लें और उसको उसमें इस हेडिंग्स में एडजस्ट कर दें। बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए, बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए। अब वो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका आप अपना ये मज़हब बना लें कि आपने झूठ नहीं बोलना और गुरु जो आपका मुर्शिद है वो जो रास्ता बताए वही रास्ता आप पकड़ लें, ठीक है। गरूर ते तकबर दी नंदिया, ये आप उसमें आप बता सकते हैं कि वेख फरीदा फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ उसार दे गए, कूड़ा सौदा कर गए ते गोरी जा पए, वो वेख फरीदा ढेरियाँ जिन्हां ते कख पए, उधरों नहीं कोई आया इधरों लख गए। अच्छा, नमाज के ऊपर इन्हां दा काफ़ी है। उठ फरीदा सुत्या तू कित्थों दी ए रीत, उठ फरीदा सुत्या तू कित्थों दी ए रीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। और इनका एक और मशहूर शेर है, उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सर साई नानी वे सो सर कप उतार। अब इसमें बहुत ही शिद्दत के साथ उन्होंने नमाज की तरफ जो है ना वो तबलीग की है। अच्छा, नफ़ी ज़ात, वो ज़ात की नफ़ी का सबक देते हैं। मैनू मुंज कर निक्की कर कर कुट, भरे खजाने रब दे जो भावे सो लुट, फरीदा काले मेरे कपड़े काला मेरा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश। अच्छा, इसी तरह दुनिया दी बेसबाती, मतलब इसके ऊपर आप 2-3 अशार याद कर सकते हैं। असल वल प्रेतना प्रेरणा प्रतना, आखरत दी फिकर वेख फरीदा जो थिया तेरी दाढ़ी होई भूर, अग्गा नेड़े आ गया ते पिछा रह गया दूर, कूक फरीदा कूक जिमें राखा जुआर, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। अच्छा, इसमें मन दी पहचान कि अपने आप को कैसे पहचानना है। फरीदा जंगल जंगल क्या भूमें, वन कंडा मोनी,
वस्से रब ही आ लिए जंगल क्या ढूंढे में। मतलब ये कहने का है कि खुदा तो तुम्हारे शहरक के करीब है और तुम जंगलों में ढूंढ रहे हो उसे। इसीलिए ये जो तसव्वुफ़ की जो एक हालत है कि ये जंगलों की तरफ निकलने का, हरगिज़ ये लोगों में रहने का और लोगों की इस्लाह और लोगों को इखलाक सिखाने का दर्स देता है तसव्वुफ़। मुर्शिद दी लोड़ बोलिए सच धर्म ते झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जो लिए। अच्छा, बाबा फरीद दी तबलीगी मिशन, अब इसके ऊपर एक सवाल भी पूरा आ सकता है और इसमें सारी वही बातें जो मैंने उनकी शायरी में आपको बताई, 13-14 हेडिंग्स बनती हैं और उन सब को आप इसमें डाल सकते हैं। पंजाबी द मोढ़ी शायर, ये एक सवाल बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। बाबा दे बाबा फरीद गंजशकर दे शलूक, अगर आपने 10-1 अशार याद किए हुए तो ये सवाल आप ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शलूकां दी फ़नी खूबियाँ, ये भी 4-5 हेडिंग्स बनती हैं, अगर आपने इनके जो अशार हैं वो याद किए हुए हैं तो आप जो इजीली उसमें कवर कर सकते हैं। अच्छा, फरीदा खाक न नंदिए खाको जेड न को, जीवंदियाँ पैरां तले ते मोयां अपर हो। वो कहते हैं कि अपने गुरूर में नहीं रहना चाहिए, आपको गुरूर नहीं करना चाहिए कि तू खाक का बना हुआ है, तू बना हुआ मिट्टी का है और तू कहता है कि मैं तू खाक के ऊपर है, हालांकि मतलब जीवंदियाँ खाक ज़मीन तेरे तले सी लेकिन मरण के बाद वो खाक तेरे उत्ते आ गई। तो इसमें गुरूर की नंदिया है, ठीक है। इसमें काफ़ी अशार है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, मैं आपको फ़नी इसकी खूबियाँ जो है ना वो बता देता हूँ। इसमें इश्क, मुर्शिद, ठीक है, और राजी बरज़ा, तबलीग दीन, वहदतुल वजूद, मन दी पछाण, ठीक है ना, ये सारी आप इसमें हेडिंग्स दे सकते हैं। पंजाबी दा मोढ़ी शायर, अल्लाह नाल मोहब्बत, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन हो सी खाक निमाणी गोर घरे, ठीक है। इसमें इसकी जो इनके अशार की तशरीह अगर आ जाती है तो इसकी पहचान यही है कि इनके ज़्यादातर अशार में लफ्ज़ फरीदा इस्तेमाल हुआ है और ये जो फरीदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो एक ख़ताबत का एक अंदाज़ है, तो इसमें आपने ये समझना है कि ये ख्वाजा फरीद, ख्वाजा ग़ुलाम फरीद नहीं है। ख्वाजा ग़ुलाम फरीद जो शायरी के कोट मिठन वाले शायर हैं उनको आपने इसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो फरीदा जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ज़्यादातर स्टार्ट में ये इस्तेमाल हुआ है या एंड में इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें आपने इसको देख लेना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि शलूकां दियाँ फ़नी खूबियाँ, वज़न ते बहर। अच्छा, उन्होंने अपनी शायरी में तासीर पैदा करने के लिए, वज़न और मौजूनियत पैदा करने के लिए हिंदुस्तान दे राइज मातर ते अरबी बहरा बहर जड़े सन उन्हां दा इस्तेमाल किया है। तो ग्रंथ विच जड़े इन्हां दे शलूक ने उन्हां विच गौरमुखी रस्मुल खत जिहदे विच सीन स्वाद ते से नूं रलदियां मिलदियां आवाज़ां लई इको किस्म दी अलामत विच इस्तेमाल किया गया है। तो जिहड़ा साढ़े कोल इहदा कलाम है वह फारसी रस्मुल खत विच पाया जाता है। तो इहदे बाद तशबीहां दा इस्तेमाल होया, तशबीह ते इस्तारे इस्तेमाल होए ने। कलाम सादा बनाने लई लोकाई इस्तेमाल दे जड़े वरतारू लफ्ज़ ने, जड़े वरतारू चीज़ां ने उन्हां नूं इस्तेमाल विच लाया गया है, जड़े रोज़ाना दे इस्तेमाल दियाँ चीज़ां ने, जिस तरह भांडे ने, ज्वार है, टांडा है, गंदलां है, इस तरह शक्कर, दूध, दाढ़ी, पग, ठीक है नी, कनक, टिब्बे, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल। सनत दलालत, बयान दे इल्म विच एक चीज़ दूजी चीज़ का पता देवे, मतलब ये डबल कॉनोटेशन होता है, इसको सनत दलालत कहते हैं कि आप लफ्ज़ एक कह रहे हैं और आपका मतलब और है। तो फरीदा दर दरवेशी घागड़ी चलना दुनिया भत, बन उठाई पोटली किथे वंजा घत। अब वो ये कहते हैं कि दरवेशी तो मैंने इख्तियार कर ली, अब मैं किस तरफ किस सिमत में जाऊँ और अब मैंने अपना रास्ता भी बांध लिया है, अब दरवेशी और पोटली
इसका मतलब यह है कि जो बंदा दरवेश बनेगा वो हालत सफ़र में रहेगा। ये सनद दलालत है कि दरवेशी से हमने मीनिंग लिया पोटली का, और पोटली से हमने सफ़र मतलब लिया। इस तरह मजाज मरसल है, मजाज मरसल वो होता है कि आप ज़ाहरी आपके मीनिंग कुछ और होते हैं और इनर मीनिंग कुछ और होते हैं। फरीदा रब खजूरें पक्कियाँ माखियों नहीं धुन, जीवें जीवें वंजे ढेड़ा सो उमर हथ पोन। अब यहाँ पे उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो ये है कि उमर नू ढेड़ा सो उमर हथ पोन, हथ पोन उमर को हाथ पड़ रहा है, मतलब आपकी जो एज है वो गुजर रही है। तो उमर हथ पोन मतलब ज़ाहरी मीनिंग कुछ और है, लेकिन इंटरनल मीनिंग ये है कि आपका जो दुनिया का जो वक्त है वो गुज़रता जा रहा है। इस तरह मिरातुल नज़ीर है, मिरातुल नज़ीर जो होती है कि वो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ जब ताल्लुक जोड़ा जाए और उनकी मैनवी जो एकता है, जो सेम मीनिंग है वो इसमें। फरीदा चन्नत खटोला दान दुख बरहा विछावन लेख, ए हमारा जीवना तो साहब सच्चे वेख। अब इसमें जो उनका जो एक 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 मौसमी सूरत हाल बताई गई है और मौसम की तब्दीली का, और नीचे जो आपका आपकी ज़िंदगी के हालात का जो उतार चढ़ाव है उसको उन्होंने बताया। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर शहबाज़ मलिक कहते हैं जी इन्हों दी बाबा दी शायरी दे विच बहुत सारे शेरी खूबियां ने, और ये शहरी खूबियाँ उन्होंने सिंघार के ते हर मन खिचवा बना देंदियां ने। ते बाबा जी दी शायरी पारों पंजाबी शायरी अपने मुढ़ले दौर विच अपने पैर पक्के कर गई। इहदे बाद तमसील लफ्ज़ तमसील मतलब एक ड्रामाई अंदाज विच गल नूं समझाण लई थां थां उन्होंने इस्तेमाल किया है। फरीदा जिन लोएं जग मोया सो लोएं मैं डिठ, कुजल रेख ना सहंदियाँ सो पक्की सो बुट। ठीक है ना, इसमें मतलब यह है कि एक जो एक एक, एक मतलब एक खूबसूरत इंसान जो है उसकी खूबसूरती का जो वक्ती एक पहनावा है उसको बताते हुए वो कहते हैं कि ये हुसन जो है ना ये हमेशा नहीं रहने वाला। आम लफ्ज़ां दी वरतारू कलर केरी छपड़ी आए लथे हंज। अब ये इसमें कलर केड़ी छपड़ी ये लफ्ज़ जो है ना ये इन्होंने आम ज़ुबानों और वरतारों इस्तेमाल किए। इस तरह ज़ुबान और असलूब, अब इसमें जितने भी हमने अशार पढ़े हैं उसमें आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ लफ्ज़ वो हैं जो अब मतरूक हो चुके हैं पंजाबी में या इस्तेमाल नहीं होते या बहुत कम इस्तेमाल होते हैं जिसकी वजह से आप उनके मीनिंग तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जो ज़्यादातर इनकी शायरी है वो आम साफ़ सुथरी ज़ुबान और आम फहम और रवां ज़ुबान है, उसको पढ़ते हुए आप मतलब तो समझ ही लेते हैं लेकिन उसकी जो मात्राई और बहरी उसका जो एक शलूकी तासीर है आप उसको भी महसूस करते हैं। मुकदी गल अगर मुकाइए तो आम लोकाई विच एक मुबल्लिग मुफक्किर शायर दी हालत च रह के लोगों नू हिदायत दी शक्कर वंड दे रहे। ठीक है जी, ये है, इसके ऊपर आप एक सवाल तैयार कर सकते हैं। अब क्योंकि मुकाबले का इम्तहान है तो उसमें सीधे सीधे सवाल नहीं आते, सवालों को वो घुमा फिरा कर देता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इसके अशार एक शायर के तैयार कर लेते हैं तो उसमें ये होता है असलूबी खूबियाँ भी तैयार कर लेते हैं तो उसमें आप सवाल को जो है ना वो माउल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी इंशाल्लाह इसी टाइम पर, और स्टे ट्यून्ड, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।